पोको एक्स थ्री। तो ये वही स्मार्टफोन है जो इंडिया के अंदर लॉन्च होने के टाइम पे 15,000 to 17,000 रुपीस के प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट स्मार्टफोन था। तो अभी टाइम थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अभी 2021 आ चुका है, तो इस साल भी क्या ये स्मार्टफोन 17,000 रुपीस के प्राइस रेंज में बेस्ट है कि नहीं, आइए आज के इस वीडियो के अंदर इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस ये है पोको एक्स थ्री आप सबके सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्राइसिंग अभी फ्लिपकार्ट के अंदर करेंटली चल रहा है 17,000 रुपीस। कुछ दिन पहले इसका एक सेल आया था फ्लिपकार्ट के अंदर जिसके अंदर इसका प्राइसिंग हो गया था घट के 14,500 रुपीस, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी 17,000 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा अगर आप पोको एक्स थ्री को खरीदना चाहते हैं। तो बेस वेरियंट की बात कर रहा हूँ जो कि 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। सीधी बात करते हैं कि इस प्राइस रेंज में पोको एक्स थ्री का डायरेक्ट कंपिटिटर कौन सा है, तो मेरे हिसाब से Redmi Note 10 Pro जो स्मार्टफोन है वो Poco X3 का डायरेक्ट कंपटीटर है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं कंपटीशन को क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद हम Poco X3 का जो 2021 का रिव्यू है वो मैं आप सबको बोलूंगा, तो वीडियो के एंड तक देख लेना। तो यहां पे Redmi Note 10 Pro का प्राइसिंग अभी Amazon के अंदर चल रहा है 16,000 रुपीस और Poco X3 का जैसा कि मैंने आप सबको बोल दिया Flipkart के अंदर चल रहा है 17,000 रुपीस। Poco X3 के अंदर आपको Redmi Note 10 Pro से ज़्यादा अच्छा जो चीज़ मिलता है वो है बैटरी। तो Poco X3 के अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग स्पीड वैसे सेम है दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर 33 वॉट्स का, और Redmi Note 10 Pro के अंदर आपको मिलता है एक बेहतर डिस्प्ले, उसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन Poco X3 के अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट तो मिलता है लेकिन जो एमोलेड डिस्प्ले है वो यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल IPS पैनल मिलता है। 16,000 रुपीज़ में, मतलब 16 से 17,000 रुपीज़ में अगर आपको बेटर बैटरी बैकअप चाहिए तो आप Poco X3 को खरीदिए, और अगर आपको 16 से 17,000 रुपीज़ के अंदर बेहतर डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए तो आप Redmi Note 10 Pro को खरीदिए। तो अभी बात करते हैं कि Poco X3 2021 के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहा है और सब कुछ इसका कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डिज़ाइन को। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ वही वाला डिज़ाइन जो आपने पहले भी देखा था, तो डिज़ाइन तो चेंज होने वाला है नहीं क्योंकि ऑब्वियसली तो पुराना डिवाइस है, डिज़ाइन कैसे चेंज हो जाएगा ऐसे यार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ पोको है और जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत फिंगरप्रिंट है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैट फिनिश है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप का फिनिश है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट डेफिनेटली आएगा, लेकिन अगर आप केस वगैरह यूज़ करेंगे तो ये आपको मैटर करेगा नहीं। और पीछे की तरफ जो कैमरा का डिज़ाइन है वो कुछ ऐसे, मतलब ऐसा टाइप का आपको देखने को मिलता है, और थोड़ा सा कैमरा बम्प भी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो कैमरा बम्प है वो अच्छा खासा यहाँ पे दिखता है। और राइट साइड में यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है और ये सब है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। ऑल टुगेदर जो डिज़ाइन है वो मुझे लगता है कि प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा है, और पीछे ग्लास फिनिश के साथ आता है ये डिवाइस, तो यहाँ पे ऑल टुगेदर जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS पैनल मिलता है, और जहाँ तक बात है मतलब एक्चुअली इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो कलर्स है वो कैसा है, तो मुझे इतना लगता है कि क्वालिटी वाइज तो ये ठीक ठाक है, अच्छा है, और कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा है, और ऑब्वियसली सुपर एमोलेड के जैसा तो नहीं होगा यहाँ पे जो ब्लैक्स है और जो कलर्स है, लेकिन फिर भी IPS के मतलब IPS डिस्प्ले के हिसाब से जो मुझे लगता है कि अच्छा है। और यहाँ पे जहाँ तक बात है स्मूथनेस की, तो मैं आप सबको एक बार शो करता हूँ कि 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ जो डिस्प्ले का स्मूथनेस है ना, वो मतलब आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छा होने वाला है, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि 120 हर्ट्ज़ यूज़ करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आपने ऑब्वियसली इससे पहले किसी 120 हर्ट्ज़ को यूज़ नहीं किया है तो। तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर प्रोस तो सब कुछ है, डिस्प्ले का क्वालिटी अच्छा है, स्मूथनेस ज़्यादा है, कलर वगैरह ठीक ठाक आता है, लेकिन एक छोटा सा कौन मुझे ये फील होता है कि डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है वो मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, इंडोर्स में आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब आप आउटडोर्स में इसको यूज़ करेंगे तब आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाली है। अगर आप फुल ब्राइटनेस में देखे भी इसको यूज़ करेंगे फिर भी मतलब सनलाइट के अंदर आपको उतना अच्छे से ये जो डिस्प्ले है वो विजिबल होगा नहीं, तो ये एक देखने वाली चीज़ है। लेकिन अगेन, अगर आप इंडोर में मैक्सिमम टाइम में आप इसको इंडोर में यूज़ करेंगे तब आपको ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं,
होगा इस डिस्प्ले के साथ। और गाइज उसके बाद बात करते हैं मेन हाइलाइटिंग चीज की, जो कि है इस डिवाइस का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे पोको X3 अगर आप खरीद रहे हो तो आई गेस के आप सबके लिए जो मतलब परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। तो यहाँ पे हम कॉल ऑफ ड्यूटी गेम को खेलेंगे और खेलने के बाद हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि इस डिवाइस के अंदर जो परफॉर्मेंस है और जो हीट मैनेजमेंट है वो कैसा है। और गाइज यहाँ पे हमने एक मैच चालू किया है, लेकिन उससे पहले हम जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको यहाँ पे नापेंगे। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 36 के आसपास है, 37 जी हाँ, मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 37 के आसपास दिखा रहा है। और पीछे की अगर टेम्परेचर की बात करें तो 35, 36, 35, 37 जी हाँ, सामने और पीछे जो कैमरा के साइड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जो कि 37.5 के आसपास दिखा रहा है। और जो बैटरी परसेंटेज है उसको भी देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 41% बैटरी यहाँ पे है। तो हम थोड़ी देर गेम को खेलते हैं और उसके बाद बैटरी परसेंटेज और जो टेम्परेचर है उसको हम देखेंगे। तो चलिए कुछ बंदों को मारते हैं और उनको दुख देते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर को एक नापते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा गर्म तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 40 डिग्री के ऊपर यहाँ पे चला गया राइट साइड में, 40.4 डिग्रीज, और नीचे की तरफ 36, 38 जी हाँ, ये वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, 41.1 डिग्री, 38, 39, 37, 38 ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीछे की तरफ मैक्सिमम 39 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, और सामने की तरफ यहाँ पे सबसे मैक्सिमम है 41। और थोड़ी देर खेलते हैं, और हाँ जो बैटरी परसेंटेज है वो मैं आप सबको शो करता हूँ। बैटरी परसेंटेज यहाँ पे 39%, और यहाँ पे जो टाइम है ओके, सो टाइम यहाँ पे है तो आप देख सकते हैं कि टाइम क्या है, तो कितने देर मैंने खेला वो आप यहाँ पे नोटिस करना। सो गाइस यहाँ पे हमने थोड़ी देर और खेल लिया, और हम नहीं खेलेंगे इसको, हम गेम को हम बंद करेंगे क्योंकि ज़्यादा मुझे अभी खेलने का मूड नहीं है, लेकिन शायद इतना टेस्टिंग काफ़ी है। अभी हम इसका जो टेम्परेचर है उसको अगेन नापेंगे। तो पीछे की तरफ आप देख सकते हैं 39, 40, 39, 38, 38 जी हाँ, जो मैक्सिमम है वो 40 पॉइंट समथिंग है। और अगर पीछे की टेम्परेचर की बात करें तो अगेन यहाँ पे 38, 39 है। तो जी हाँ डेफिनेटली, अगर इसका एक कंक्लूशन मैं बोलूँ परफॉर्मेंस का, तो जब आप कॉल ऑफ ड्यूटी के जैसे हैवी इंटेंसिव गेम्स खेलेंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर आपको बीच बीच में कुछ फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब ये डिवाइस 40 डिग्री के आसपास हीटअप हो जाएगा। और हीटअप ना होने के भी कुछ रास्ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके रूम पर एसी वगैरह है, मतलब एसी हर किसी के रूम पर होता नहीं है, लेकिन जो फ़ैन है वो हर किसी के रूम पर होता है, तो आप फ़ैन को चालू करके फ़ैन के नीचे बैठ के अगर आप गेमिंग वगैरह करेंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है वो ज़्यादा टाइम के लिए ठंडा रहेगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रेम ड्रॉप है वो आपको कम नोटिस होगा। और सिमिलरली जो अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 37% यहाँ पे बाकी है, और जो टाइम है वो भी आप देख लीजिए कि कितने बजे से हमने खेलना स्टार्ट किया था और कितना टाइम के लिए हमने खेला और कितना परसेंट बैटरी यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, तो सब कुछ आपके सामने ही है। और मैं आपको बोलूँगा कि डेफिनेटली 17,000 रुपीज़ के हिसाब से आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, और 20,000 रुपीज़ के नीचे मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट मतलब आपको करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैमरा की, तो डेफिनेटली कैमरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेगापिक्सल है उसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे किसी भी वीडियो के अंदर, मैं मतलब मेगापिक्सल के बारे में डिटेल में बात नहीं करता। यहाँ पे मैं आप सबको कुछ कैमरा सैंपल्स यहाँ पे शो करता हूँ, उनको देख के आप जज कीजिए कि पोको X3 का कैमरा क्वालिटी कैसा है और क्या आपको ऐसे टाइप के फ़ोटोज़ अच्छे लगते हैं कि नहीं। मैं अगर अपना एक कंक्लूजन दूँ तो डेफिनेटली इस पोको X3 के अंदर जो कैमरा क्वालिटी है वो अच्छा है। ये जो डिवाइस है वो सिर्फ एक दोस्त के पास नहीं है, मेरे 2-3 दोस्तों के पास है, और उनके फ़ोन से मैं बहुत बार कॉलेज वगैरह में सेल्फी वगैरह खींचता हूँ, बैक कैमरा को भी यूज़ करता हूँ, और मुझे जो इसका ओवरऑल जो पिक्चर क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली 17,000 रुपीज़ में। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि Redmi Note 10 Pro के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो
ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना मेजर कोई डिफरेंस होगा। और आप पोको को लीजिए या फिर रेडमी नोट 10 प्रो को लीजिए, आपको ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा है। सो दोस्तों, बस जो भी सारे कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, डिज़ाइन सब कुछ था, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप सबको बोल दिया। और अभी मैं आप सबको इतना ही बोलूँगा कि 17,000 रुपीज़ के अंदर इस स्मार्टफोन को अगर आप खरीदेंगे तो इसके अंदर कुछ खास बातें जो आपको देखने को मिलने वाली है वो है, सबसे पहला तो बैटरी, 6000 mAh का बैटरी, उसके साथ साथ 33W का फास्ट चार्जिंग, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, हालांकि एमोलेड नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आपको मिल रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले चाहिए तो आप रेडमी नोट 10 प्रो खरीद सकते हैं, लेकिन अगेन आपको जो बैटरी कैपेसिटी है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये आपके ऊपर है कि आपको बैटरी अच्छा चाहिए या फिर डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए जाइए रेडमी नोट 10 प्रो के साथ, बैटरी के लिए जाइए पोको X3 के साथ 17,000 रुपीज़ में। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी और फ़ोन के तरफ मत देखिए। अगर आपके पास 16 से 17,000 रुपीज़ का बजट है तो Redmi Note 10 Pro या फिर Poco X3, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कीजिए। तो यही होगा इस वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन। सो दोस्तों, बस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि Poco X3 डिवाइस के अंदर 17,000 रुपीज़ के हिसाब से क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके जाना। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर।